हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी एस रिव्यूज। तो फाइनली पठान मूवी जो कि 12 मई को बांग्लादेश के अंदर रिलीज होने वाली है, लेकिन 12 मई से पहले इस मूवी ने बांग्लादेश के अंदर तबाही मचाना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, इस मूवी की एडवांस बुकिंग ओपन हुई है और एडवांस बुकिंग को जो पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स मिला है वो अनबिलीवेबल है, अनएक्सपेक्टेड है। जी हां दोस्तों, यानी कि बांग्लादेश के जो शाहरुख खान सर के फैंस हैं वो इतने ज़्यादा क्रेजी हैं इस मूवी को देखने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, इस मूवी की कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, कितने स्क्रीन्स अभी इस मूवी को मिले हैं और शोज का क्या सीन चल रहा है, फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अभी तक इस मूवी को 40+ सिंगल स्क्रीन्स मिली हैं। जी हां दोस्तों, और 40+ सिंगल स्क्रीन्स पर इस मूवी के जितने भी शोज रखे गए वो चंद घंटों के बाद हाउसफुल हो गए, यानी कि चंद घंटों में इस मूवी के 40+ सिंगल स्क्रीन के जो शोज थे वो ऑलरेडी हाउसफुल हो चुके हैं। और अब पब्लिक की डिमांड है कि इस मूवी को और स्क्रीन काउंट मिले और इस मूवी के और ज्यादा शोज इंक्रीज किए जाएं, यानी कि पठान मूवी के जो शोज हैं बांग्लादेश के अंदर वो अभी से ही इंक्रीज होना शुरू हो चुके हैं और अभी इस मूवी को रिलीज होने में आज का और कल का दिन बाकी है। यानी कि 12 मई ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है बांग्लादेश के, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी की एडवांस बुकिंग को रिस्पांस मिल रहा है ना, आने वाले समय में यानी कि 12 मई के बाद इस मूवी का जो सीन होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर वो बहुत बड़े लेवल का होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह पठान मूवी अभी बांग्लादेश में रिलीज नहीं हुई, लेकिन इस मूवी ने एडवांस बुकिंग से ही तबाही मचाना शुरू कर दी और जब ये मूवी रिलीज होगी तो फिर क्या सीन होगा ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अगर आप बांग्लादेश से इस मूवी के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम वीडियो को देख सकें।